वालेकुम दोस्तों आज हम बनाने वाले बहुत ही टेस्टी जायकेदार खुशबूदार चिकन मलाई एकदम ग्रेवी वाली चिकन बनके तैयार होती है तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो पूरी एंड तक देखेगा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर जरूर से कीजिएगा और वीडियो पर पे पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा चले बनाते हैं चिकन चिकन बनाने के लिए खुशबूदार सा मसाला तैयार करना जिसके एक चम्मच जीरा ले लिया और एक चम्मच व्हाइट काली मिर्ची ले ली आप लेक भी ले सकते हैं और इसमें दो हरी इलायची ले ली एक चम्मच जी धनिया धनिया ले लिया है और जावतरी की कुछ पत्तियाँ ले ली है इनको हमें रोस्ट करना है अब सबसे पहले हम चिकन को मेरीनेशन कर लेंगे एक चम्मच नमक डाल देंगे और एक चम्मच जो हमने मसाला खुशबूदार पीसा है वो डाल देंगे और एक दो चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और तीन से चार इसके अंदर हम दही डाल देंगे तीन से चार चम्मच दही डाल देंगे मिक्स करके मेरीनेशन कर देंगे इसको साइड में रख देंगे अब एक कढ़ाई लेंगे उसमें एक दो बड़े चम्मच हम ऑयल डाल देंगे थोड़ा सा बटर डाल देंगे करीब दो चम्मच जितना हम बटर डाल देंगे और जैसे ही बटर हमारा मेल्ट हो जाता है इसके अंदर हमारी जो चिकन मेरीनेशन करके हमने रखी थी वो डाल देंगे और एक मिनट के लिए इसको हाई फ्लेम पे हम भून लेंगे एक मिनट के लिए अच्छी हाई हीट पे भून लेंगे फिर इसको कवर करके हम पका लेंगे जब तक कि हमारा चिकन अच्छे तरीके से टेंडर नहीं हो जाता उसमें ब्राउन कलर के डार्क नहीं जाते जब तक गला लेंगे अब एक मसाला तैयार करना ग्रेवी के लिए प्याज ले ली दो बड़ी आदस हरी मिर्ची ले लिए दस बारह मैंने बादाम ले ली और दस बारह बादाम काजू ले ली दो चम्मच खसखस ले ली है और दो टमाटर ले लिए हैं अब एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और उसके अंदर हम डाल देंगे हमारी ये प्याज जो हमने रफली चॉप करके रखी थी दो बड़े साइज की और साथ ही में हमारी मिर्ची भी डाल देंगे और इसका कलर चेंज नहीं हो जाता थोड़ी सॉफ्ट नहीं हो जाती जब तक इसको हम फ्राई कर लेंगे देखिए फ्राई हो गई है हमारी कलर भी चेंज हो गया ज़्यादा डार्क नहीं करना सिर्फ लाइट ही रखना और इसमें टमाटर इस वक्त हम डाल देंगे बारीक काट के डालेंगे इनको भी इसमें मिक्स कर देंगे और इसके साथ ही मैंने जो सूखे मसाले बताए थे ये भी डाल देंगे खसखस काजू और बादाम दो चम्मच खसखस ली और काजू के टुकड़े ले लिए दस बारह दस बारह बादाम ले ली इनको भी फ्राई कर लेंगे जब तक कि टमाटर हमारे अच्छी तरीके से मैश नहीं हो जाते बिल्कुल गल नहीं जाते इसको ठंडा करके इसका हम महीन पेस्ट बना लेंगे चलें चिकन देख लेते हैं। बीस मिनट से हमारे चिकन अच्छे से मीडियम गैस पे फ्राई भी हो रही थी इसमें पानी भी छोड़ा और ये ड्राई भी हो गई और अच्छे से ये लगभग गल भी चुकी पूरी चले सेम कढ़ाई में हमने ऑयल डाल लिया है बड़े से दो चम्मच और दो हरी इलायची चार पाँच लौंग और दो दालचीनी के टुकड़े डाल दिए हैं और इसके अंदर दो बड़े चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है थोड़ा सा लहसुन अदरक के पेस्टों को भून लेंगे जब जब तक कि इसका कच्चापन दूर नहीं हो जाए देखिए कलर चेंज हो गया भुना गया हमारा लहसुन अदरक अब इसके अंदर हमने जो ग्रेवी पीस के रखी थी टमाटर प्याज काजू बादाम खसखस की हरी मिर्ची की ये डाल देंगे अच्छे से सारी मिक्स कर देंगे इस मसालों के साथ और तीन बड़े चम्मच इसमें हम दही डाल देंगे तीन हमने उसमें डाला था तीन हम इसमें डाल देंगे और अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर देंगे दही को और ग्रेवी को और इसको पकने देंगे जब तक कि थोड़ा सा तेल ऊपर नहीं आ जाता तेल ऊपर आ गया देखिए अब इसके अंदर हम नमक और जो खुशबूदार हमने मसाला पीसा था वो डाल देंगे इसके अंदर और इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से और अब हमारे चिकन भी डाल देंगे और चिकन के साथ अच्छी तरीके से हम सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे चिकन हमारी बहुत अच्छे से गल चुकी है मसाला भी हमारा अच्छे से भुना गया है बस आहिस्ता हाथों से इसको हम मिक्स कर देंगे चिकन को और अब इसमें मैं मलाई डाल दूंगी मलाई मेरे तीन बड़े चम्मच थी घर की मैंने मिक्सी के जार में उसको चला लिया था मलाई डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे हमारी चिकन को और कवर करके इसको हम पकाएंगे बढ़िया सा मिक्स देंगे बहुत ही टेस्टी बनती है जो हमने खुशबूदार मसाला बनाना जीरा और धनिया का और दालचीनी का मसाला हमने जो बनाया बहुत ही टेस्टी खुशबू आती है उसकी ये देखिए बढ़िया सा हमारी ये स्मूथ ग्रेवी वाली मिक्स हो गई है कवर करके इसको जब तक कि तेल ऊपर नहीं आ जाता पका लेंगे ये देखिए बिल्कुल रोगन ऊपर आ गया बहुत बेहतरीन से हमारी ये मलाई चिकन बन के तैयार हो गई है एकदम स्मूथ ग्रेवी बन के तैयार हुई इसकी एकदम टेस्टी बस हमारी ग्रेवी बन के तैयार हो गई अब इस वक्त इसके अंदर हम एक बड़ा चम्मच रोस्टेड कसूरी मेथी डाल देंगे और एक चम्मच हम बटर डाल देंगे अगर आप बटर डालना ना चाहो तो आप स्किप भी कर सकते हो मगर डालेंगे तो और भी टेस्ट उभर के आएगा चलिए मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को और ये हमारी चिकन मलाई बनके तैयार हो गई है एकदम बढ़िया टेस्ट है फ्लेवरफुल हमारी ये मलाई चिकन बनके तैयार हुई आप भी इस तरीके से बनाइए फ्रेंड्स और एंजॉय कीजिए चलिए बढ़िया से बनके तैयार एंजॉय कीजिए मुझे दुआ में याद रखिए माशाल्लाह हमारी ये मलाई चिकन बनके के तैयार हुईगी तो आप भी इस तरीके से जरूर से बनाइए अपने दोस्त फ्रेंड और रिश्तेदारों में मेरी वीडियो को शेयर कीजिए वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर ज़रूर से कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले फिर एक नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी जब तक के लिए ओके